आज रति मेरा मेकअप करने वाली है या आज मैं मैडम का मेकअप कर रही हूँ। यही तो होते और यही तो मजा है जब दो दोस्त मतलब जिगरी यार मिलते हैं और इस तरह से मिल बांट के रहते हैं। हम यहाँ कोई बिग बॉस नहीं खेल रहे हैं और यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि हम लोग बिग बॉस ही खेल रहे हैं। सो आई एम रियली एंजॉयिंग दिस। क्लोज योर आईज, आईज ऑफ, क्लोज योर आईज। या तो आज मैं मैडम को बिल्कुल चकाचक कर दूंगी। मैडम यहाँ इंजॉय कर रही हैं अपनी आलू का स्टार्टर्स और सम सो या तो हम यहाँ पर डिनर करने आए हैं। जैसा कि मैंने पहले ही सुबह कह दिया था कि यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स जो 2-3 किलोमीटर्स अवे हैं और यहाँ हम ड्राइव करके आए हैं कुछ लेबनीज खाना खाने के लिए जो कि कैन आई से समथिंग ओके है कैन आई से समथिंग नॉट मच गुड ओके सो शी इज़ नॉट अलाउिंग मी टू गिव द एग्जैक्ट रिव्यू बट आप समझ जाओ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। हमारे चेहरे से पता चल रहा है आपको। आई थिंक कोविड के दौरान शायद इन लोगों ने मेंटेनेंस में थोड़ी दिक्कत कर दी खाने के मेंटेनेंस में मतलब क्वालिटी ऑफ खाना बट ओके नॉट दैट गुड। सो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि खाना खाने लायक है इतना भी बुरा नहीं है बट इसकी बातें कुछ इसका ढिंडोरा कुछ ज़्यादा ही पीटा गया है। ओवर एंड आउट। थैंक यू सो मच। व्हाट अर्ली मॉर्निंग 7 बजे उठ के ये सनराइज देखना और इन पहाड़ों के बीच इस ठंडी वादी में बड़ा मज़ा आ रहा है चाय की चुस्की लेते हुए। तो प्लान ये है कि मैं इसलिए जल्दी उठी कि मैं कुछ शूट करने वाली थी जो शायद नहीं कर पाऊँगी अभी क्योंकि पूरी घास गीली है। जिस पर्पज़ से मैं शूट करने वाली थी वो सरप्राइज़ है मैं अभी बताऊंगी नहीं आपको जो कि शायद 2-3 ब्लॉग्स के बाद आपको दिखाई दे। सो या अभी ब्रेकफास्ट करने चलेंगे हम लोग तैयार होंगे उसके बाद ऐश की डिमांड ये है कि कुछ उनके पिक्चर्स क्लिक करने हैं तो हम कुछ पिक्चर्स क्लिक करेंगे। बाय द वे वेदर तो बहुत अच्छा है और अब हमारे जाने का टाइम आ गया क्योंकि हम लोगों को एक्सटेंशन नहीं मिल पाया अगले दिन का। मैंने सोचा था कि हम लोग एडवेंचर पार्क में जाएंगे हॉर्स राइडिंग करेंगे बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ करने के लिए जो कि यहाँ के प्रोमाइसेस में नहीं है
इस सिटी के बाहर हैं, उनके जितने भी जोन्स हैं। तो अगर आप यहाँ पर आने का सोच भी रहे हैं तो एक दिन आई थिंक कंप्लीट नहीं हो पाएगा, 2 दिन के लिए आइए। जहाँ पर आई फील कि चेकआउट टाइम 10 बजे है और चेक इन टाइम शायद 12 बजे है, तो आधा दिन तो हमारा ऐसे ही चला जाता है। और अगर आप एक दिन में एडवेंचर पार्क कंप्लीट कर सकते हैं तो वेरी गुड, जो हम नहीं कर पाए। और हमको बॉम्बे भी जाना है इम्पोर्टेंट काम के लिए, और प्लस रूम्स है भी नहीं अवेलेबल इधर, तो कोई बात नहीं, एडवेंचरस तो हम लोग ऑलरेडी हैं, है कि नहीं? सो यहाँ एडवेंचर नहीं किया तो क्या किया, कोई बात नहीं, हम लोग पिक्चर्स क्लिक कर लेंगे, नाश्ता कर लेंगे और ठंडी ठंडी वादियों में घूमते घूमते अपने घर पहुंच जाएंगे। सो यस, अभी हम लोग फ्रेश होते हैं और चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। कुछ भी करो, कुछ करो या ना करो, मुझे बस ऐसी वादियों में छोड़ दो, मेरे लिए आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐश कहाँ है? ऐश जो है, ऐश जो है, ऐश जो है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, खा सकते हो? हाँ। तो वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट लास्ट नाइट्स एक्सपीरियंस अपार्ट फ्रॉम आर व्हाट डू यू से आर ओन फन? I mean, about the hotel, yeah, about the service, anything about... Can I be very truthful? देखिए, yes, definitely. Ash जो कहेंगी आपको एकदम सही कहेंगी और बिल्कुल उनकी कटुवाणी जो है आपकी तिल को छलनी ना कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप इनकी बात सुनिए। Yeah, please, carry on. So, I think this place was really nice before COVID. And the kind of praises that I've heard about this place was like actually made me to come here to have that one of a lifetime experience. But to be very frank, this place is gone to, sorry to use this word, but ruts. It's overpriced. The hygiene facility, even at the cottages that they have, is not that great. Plus, the food that you order over here is not as per the, I think it's lower in, it has just, the quality has just decreased, because yesterday night we had a very bad experience and madam ko bhookha rehna pada tha, why? Because unhone kuch bahut hi yummy sa starter order kiya tha and jo starter badal gaya sabzi mein. हाँ, तो वो वाली सब्जी तो हमारी मम्मी और हम भी बना सकते हैं। तो आलू के नाम पे हमको सब्जी दी गई थी और सो बेसिकली हम बुराई नहीं कर रहे, बट ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, बड़ी वाज अ वेरी गुड प्रॉपर्टी।